जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मंजूरी के बाद कुकरनाग बोटैनिकल गार्डन कोविड 19 लॉकडाउन में नरमी के बाद जायरीन के लिए खोल दिया गया है। पार्क में सियाहों को कोविड SOPs पर सख्ती से अमल होने की तलकीन की गई है। वहीं इंतजामिया ने वहां SOPs के नफाज के लिए सख्त इकदाम किए हैं। पार्क खोलने के हुकूमत के फैसले पर सियाहों, मुकामी होटल मालिकान और दीगर लोगों ने हुकूमत की तारीफ की है। देखिए तांत्रिक शफीक की ये रिपोर्ट। सर यहाँ को घूमने के लिए बहुत अच्छा नज़ारा है, देखने के लिए मैंने पहली बार देखा है ऐसा नज़ारा। ना तो पत्थरबाजी होती है, नहीं और किसी के आपको सिक्योरिटी और मिलती है इधर। ये बहुत अच्छा लगा और इनसे मिलने के लिए मुझे और भी जैसे मन करता है कि मैं दोबारा से और आना चाहता हूँ इधर मैं घूमने के लिए, लेकिन मुझे आगे ही मैं फिर भी आऊँगा। तो मैं कम से कम इधर 3-4 महीने घूमने आया ना, यहाँ तो मैं कल के लिए और हूँ, फिर मैं आगे और जाना हूँ। मेरा नाम राजेश सैनी है और मैं राजस्थान से आया हूँ। कब आए सर यहाँ पे? सर मेरे को 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। पहली बार आए सर यहाँ? सर इसमें गार्डन में तो मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको सर? अच्छा लग रहा है, अच्छा गार्डन है, खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे झरने हैं, काफ़ी अच्छा ठंडा पानी है यहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो साथ है ताउन है तो कितना आपके साथ? सर एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ का देखो अच्छा है मेरे साथ, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ यानी कि कुछ ऐसा जैसा यहाँ के लिए बताया जाता है वैसा कुछ है, वैसा मेरे को ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी यहाँ की। अच्छा है, बाहर का कंडीशन भी ठीक है और यहाँ की कंडीशन भी ठीक है। सर सरकार का एक प्रोटोकॉल है, कोविड 19 चल रही है तो SOPs को फॉलो करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। यस सर। और साथ ही साथ मास्क लगाओ। तो आपको लगता सर है हम गवर्नमेंट की सभी गाइडलाइंस को? देखो मेरा नाम मोहम्मद नमन चौधरी है। अच्छा लग रहा है क्योंकि हम भी आए हैं थोड़ा, क्योंकि कोविड 19 पहले आर्टिकल टूटा 370, उसके बाद हालात ही कुछ ऐसे ख़राब हो गए, पूरा कश्मीर ही बंद रहा। क्योंकि ये कश्मीर तो है ही खूबसूरत है, क्योंकि खासकर हमारे ब्रैंक की बात करें तो ये खूबसूरत एरिया है, टूरिस्ट एरिया है। तो क्या कहते हैं हम भी आते हैं क्योंकि थोड़ा डिप्रेशन का शिकार है यहाँ के लोग भी, तो वो जब निकलते हैं घरों से तो एक अच्छा फील करते हैं, तो इसीलिए आते हैं, मज़े करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। क्योंकि आज भीड़ भी है, आज लोग भी आते हैं बहुत, मतलब मुख्तलिफ जगहों से आते हैं लोग, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि पार्क भरी हुई है, थोड़ा एक अच्छा सा लगता है। क्योंकि पिछले दिनों कई दिनों में ये पार्क बंद थी तो अजीब सा सन्नाटा सा लगा रहा था, तो इसलिए अब खुल गया है पूरा, तो अच्छा लग रहा है। अब मैं इतनी गुजारिश आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मास्क जो भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन उनका पालन करें, तो क्या कहते हैं मास्क यूज़ करें। क्योंकि ये नहीं है कि गेट पे तो लगे हुए हैं, गेट पे मतलब जो मुलाजिम है वो बोल रहे हैं कि मास्क लगा के जब वहाँ से एंट्री होती है तो यहाँ पे आके मास्क उतार दी जाती है, तो ऐसा ना करें। मास्क का पूरा मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है, मैं ये नहीं बोलूँ कि मास्क ही है या और सोशल डिस्टेंस, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करें तो बेहतर है, क्योंकि इस वबा से बचने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। थैंक यू। देखिए एक्चुअली मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, मैं यहाँ पे लोकल हूँ, जलंगाव में रहता हूँ मैं। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि कुकरनाग पार्क में जो कि हम लॉकडाउन में देखा बहुत सन्नाटा था, यहाँ पे कोई आता नहीं था, लगता ही नहीं था कि लॉकडाउन है, ये मतलब पार्क है, यहाँ पे कोई बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। और अभी जो पार्क खुली हुई है तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुकरनाग बॉटनिकल गार्डन में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मतलब टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। और हाँ, जहाँ तक अभी लॉकडाउन का मसला है, कोविड 19 चल रहा है, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि बाहर जो गेट पे अभी यहाँ पे मतलब एंट्री करते हैं अंदर, वहाँ पे इनको बोलते हैं कि मास्क लगा के आ जाओ, मतलब पार्क में मास्क लगाओ, क्योंकि कोविड 19 की जो वेव है बहुत ख़तरनाक है। और जहाँ पर मैं देख रहा हूँ अभी कुकरनाग बॉटनिकल गार्डन में किसी को मास्क नहीं लगा के है, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, खासकर जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर मतलब अभी मीडिया पर देख रहे हैं।